हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसे कि आपको पता है कि आज की तारीख में सभी यूज़र्स हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, और सबसे बड़ी समस्या है स्मार्टफोन में हैंग और गर्म होने की आती है। हम दो ही सिचुएशंस में स्मार्टफोन चेंज करते हैं। पहला, जब हमारा फ़ोन पुराना हो जाता है, हमें उसे अपग्रेड करना रहता है। और सेकेंड पोजिशन में, जब हम उसे चेंज करते हैं कि हमारा फ़ोन गर्म होता है या हैंग होने लगता है। लेकिन गर्म और हैंग होना ये हमारी लापरवाही से होता है। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जिससे कि आपका स्मार्टफोन गर्म और हैंग होना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है शक्ति, चलिए शुरू करते हैं। तो जितनी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं आपको, ये काफ़ी काम आने वाली है। इससे आपका मोबाइल नहीं गर्म होगा और हैंग होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको दोस्तों ये देखना है कि आपका ब्राइटनेस लेवल जो है हमेशा कम होना चाहिए। इससे बैटरी कंजम्पशन भी कम होता है और बैटरी गर्म भी नहीं होती है। सेकेंड चीज़, आपको प्ले स्टोर में दोस्तों एक सेटिंग करनी है। यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑटो अपडेट्स का ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिलेगा। आपको सबसे लास्ट वाले में टिक करके रखना है दोस्तों, ऊपर वाले में आपको टिक नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपका जितने भी एप्लीकेशंस ऑटो अपडेट्स होंगे उनमें सब जंक फाइल्स आ जाती है। जैसे ही आप उसको ऑटो अपडेट्स में लाते हो, आप इसे मैनुअल अपडेट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, इसे आपको लास्ट में टिक करके रखना है। इसके बाद आपको दोस्तों जाना है फ़ोन की सेटिंग में। जैसे ही आप फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे दोस्तों, इसमें आपको डिवाइस मेंटेनेंस करके इसमें डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिया रहता है हर मोबाइल में, ताकि आप अपने फ़ोन का मेंटेनेंस कर सके। आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस कोई इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी इंस्टॉलेशन करने से आपको ये प्रॉब्लम होगी कि वो ना ही कुछ काम करता है, ना ही कोई मोबाइल का अंदर से क्लीन अप करता है। तो इससे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आप बैटरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टोरेज को भी आप आसानी से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ से आपका देख सकते हैं, यहाँ से आपको क्लीन करना है। जब भी आपको स्टोरेज क्लीन करना हो, आप यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपको हमेशा स्टोरेज को 30% के आसपास तक आपको खाली रखना है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे मेमोरी भी दिख जाएगी। यहाँ पे मेमोरी को भी आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपका बैकग्राउंड एप्लीकेशन पूरा क्लोज हो जाएगा, या जो भी आपकी फाइल होगी, एप्लीकेशंस होंगे, वो भी सब यहाँ से क्लीन हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये सब कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आपको जाना है नीचे में, आपको डेवलपर ऑप्शन में। अब ये डेवलपर ऑप्शन दोस्तों कहाँ से आएगा मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे बिल्ड नंबर देखना है। यहाँ पे आपको 7 बार आपको क्लिक करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों, आपका ये डेवलपर ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। तो आपको डेवलपर ऑप्शन बैक करके जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे डेवलपर ऑप्शन दिखना है, इसे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, आपको सबसे पहले जाना है नीचे एनिमेशन। आपको सबसे पहले नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है ऑप्शन विंडो एनिमेशन स्केल। आपको इसमें टिक करना है। आपको डिफ़ॉल्ट दोस्तों हर मोबाइल में इसमें डिफ़ॉल्ट 1.51x दिया रहता है। आपको 0.5 में कर देना है, या तो एनिमेशन ऑफ कर देना है। इससे आपकी बैट आपका इसका मोबाइल फास्ट चलने लग जाएगा। सेकंड चीज़, आपको यहाँ पर ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल को भी 0.5 में कर देना है। थर्ड, आपको एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल को भी 0.5 में कर देना है। तो आपको ये तीनों को 0.5 में कर देना है दोस्तों। उसके बाद आपको लास्ट में जाना है नीचे में। आप देख सकते हैं, आपको स्क्रॉल करना है नीचे। यहाँ पर आपको ये देखना है एप्लीकेशंस का लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेस। आपको ये लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेस में जाना है। यहाँ पर आपको दोस्तों ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर नो बैकग्राउंड प्रोसेस में आपको टिक करना है और इसको ऑफ़ कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जितने भी एप्लीकेशन है बैकग्राउंड में नहीं चलेंगे और आपकी बैटरी भी बचेगी इससे। तो दोस्तों, ये थोड़ी कुछ सेटिंग है। इसके बाद मैं आपको और सेटिंग बताता हूँ। दोस्तों, ये कुछ और सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप अपने मोबाइल को हीट और हैंग होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, कभी भी आपको अपने मोबाइल को डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ नहीं करना है। इससे आपकी बैटरी बहुत जल्दी गर्म होती है और बैटरी लाइफ भी बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, जब भी हमारा मोबाइल का नया अपडेट आता है, कई बार हम इसे अपडेट नहीं कर पाते। इससे भी हमारे मोबाइल में परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। इसलिए जब भी आपका मोबाइल में अपडेट आता है, उसे तुरंत अपडेट करिए। इससे हमारी मोबाइल की लाइफ भी अच्छी होती है और फास्ट भी चलेगा।
दोस्तों, जिस प्रकार अच्छे पेट्रोल से हमारी गाड़ी का अच्छा परफॉर्मेंस होता है, वैसे ही एक अच्छी बैटरी और एक अच्छे केबल से हमारी मोबाइल की बैटरी भी अच्छी चलती है। जब भी आप यूज़ करें तो ओरिजिनल बैटरी और हमारा मोबाइल ओरिजिनल केबल ही यूज़ करें। कभी भी डुप्लीकेट केबल और बैटरी का उपयोग ना करें और ना ही डुप्लीकेट चार्जर का उपयोग करें। इससे आपकी बैटरी लाइफ भी कम होगी और मोबाइल भी हीट होगा। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि हमारा इंटरनेट बहुत स्लो चलता है और इससे हमारी बैटरी भी जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो आप इसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका सिग्नल बूस्ट होगा और आपकी इंटरनेट भी काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो जब भी आप यूज़ करें स्लो इंटरनेट में, कम से कम मोबाइल का यूज़ करें। दोस्तों, जब भी आप अपने मोबाइल में गेम का उपयोग करें, हाई एंड गेम डाउनलोड ना करें। इससे आपके सीपीयू और जीपीयू पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है और बैटरी भी आपकी ख़राब होने का चांसेस होता है। इसलिए जब भी आप अपने मोबाइल में गेम का यूज़ करें, नॉर्मल गेम यूज़ करें। दोस्तों, आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन यूज़ करते समय सावधानी बरतें। आप कई एप्लीकेशन ऐसे इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि आपको यूज़ नहीं करना होता और काफ़ी दिन तक आपके मोबाइल में रखे रहते हैं। इसलिए कभी भी ऐसे एप्लीकेशन का यूज़ ना करें जो कि आपको ज़रूरत ना हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।